आप सब लोग, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुसुम क्रिएटिव आइडियाज में। सो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनने वाली रेसिपी पोहे। तो आइए उसकी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सो गाइस, पोहे की रेसिपी बनाने के लिए हमने अपने बेसिक मसाले ले लिए हैं और ये पोहा ले लिया। हमने उनको भिगो दिया था 5 मिनट पानी में और अभी उनको निकाल लिया है। और ये देखिए, ये सूख चुके हैं अच्छे से। और ये हमने प्याज लिया है और ये टमाटर लिया है, उनको दोनों को बारीक काट लिया है। और ये थोड़ी सी हमने राई ली है, काजू लिए हैं और ये कड़ी पत्ता लिया है और ये आलू लिए हैं, उनको भी हमने कट कर लिया है। तो आइए पोहे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमने पोहे ले लिए हैं, उनमें हमने थोड़ी सी हमने मिर्ची ऐसे डाल देनी है, उनके ऊपर फैला देनी है। और ये नमक, उनको भी ऐसे फैला देना है। और ये थोड़ी सी हल्दी, उसको भी ऐसे फैला के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए, बाद में हमने इसमें हरी मिर्ची काट के डाल दी थी। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक मसाले कर सकते हैं। तो आइए अब पोहे को तड़का लगाते हैं। सो गाइस, ये देखिए मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और उसमें मैंने 3 बड़े चम्मच तेल के डाल दिए। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। सो गाइस, ये देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे ये जीरा और राई, इन दोनों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और ये डाल देंगे और इसको बंद कर देंगे। हमने इसको ढक दिया है ताकि ये उछले ना, और गैस का फ्लेम हमने लो ही रखना है। सो गाइस, ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता और इसको बंद कर देंगे। सो गाइस, ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम डालेंगे इसमें प्याज और इनको हमने सौते ही करना है, इनको ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना है, हमें इनका कलर थोड़ा सा गोल्डन ही रखना है। सो गाइस, ये देखिए हमारे प्याज अच्छे से सौते हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम अब हम हाई कर देंगे। सो गाइस, ये देखिए प्याज और टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इसमें आलू डाल देंगे और उनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस, आप भी ये रेसिपी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। सो गाइस, ये देखिए हमारे ये आलू अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम इसमें डालते हैं काजू। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मूंगफली, काजू, बादाम, कुछ भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गए। अब हम डालते हैं इसमें मसाले। हम इसमें नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, ये देखिए हल्दी डाल देंगे, और थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे। आप मसाले अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इनका। सो गाइस, ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया हमारा मसाला। अब डालते हैं इसमें पोहे। पोहे को हमने डाल दिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। और गैस का फ्लेम अब हम लो कर देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। सो गाइस, ये देखिए हमारे पोहे की रेसिपी बनके रेडी है। अब कर देते हैं गैस को ऑफ और इसको करते हैं सर्व। सो गाइस, ये देखिए हमारे पोहे की रेसिपी बनके रेडी है। आप भी इसी तरीके से बनाएं और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। अच्छा लगे, अगर
अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। तो जल्दी मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।